दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बेल्टों सो फाइनली न्यू रजिस्ट्रेशन के जो इंतजार कर रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे कि आप लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन अगस्त में देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन अगस्त से पहले देखने को मिलेगा, उसके लेकर एक अपडेट जारी किया गया है। साथ ही स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबका एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो इस वीडियो में जानकारी मिलने वाले है। साथ ही बहुत सारे ऐसे कार्यपालक है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट आने चाहते हैं, तो उसको लेकर मैं पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे कि आपको किस तरह से आवेदन देना है ताकि आप लोग यह होम डिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आवेदन दिए थे उन सबका जो टोटल 110 स्टूडेंट का होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो उसका लेटर जारी किया गया। साथ ही 2020 के कुछ स्टूडेंट है जिनमें टोटल 42 स्टूडेंट का पैनल बनाया गया था, उन सबका KYC अभी तक नहीं हुआ, तो उन सबका KYC कब तक हो जाएंगे सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी कार्यपालक सहायक किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन दिए थे उन सबका जो लिस्ट जारी कर दिया है। टोटल यहाँ पर देखिए 196 स्टूडेंट आवेदन दिए थे, उन सबका जो है ट्रांसफ़र लेटर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 196 स्टूडेंट का जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। उनमें से अपना नाम चेक कर लीजिएगा, अगर आपने भी आवेदन दिए थे तो आप अपना यहाँ पे नाम चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हरिंदर प्रसाद है, उसके बाद एम्प्लॉय ID है, उसके बाद गिरी जिला, यहाँ पर देखिए सहरसा में जो है इन सबका पोस्टिंग दिया गया है। यहाँ देखिए सबसे पहले काम कर रहा था बख्तियारपुर में काम कर रहे थे, ये जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट कराए है पटना, इस तरह से अपना होम डिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं। अगर आप भी आवेदन देना चाहते हैं तो उसके लेकर मैं पहले ही वीडियो बना दिए है तो आपको किस तरह से आवेदन देना है, तो वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों 6/9/2022 का जो रिजल्ट जारी किया गया था बिहार बेल्टों की तरफ से, इसमें टोटल 42 स्टूडेंट का पैनल बनाया गया था, इन सब का जो अभी तक KYC नहीं हुआ है। तो आपको बता दूं इन सब का KYC जो LRC का लिस्ट जो है 5 या 10 अप्रैल के बीच में जारी किया जाएगा, उसके बाद जो इन सब का जो KYC लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का जुलाई में जो है 100% इन सब का KYC देखने को मिल सकता है, और आगे का जो अपडेट आएंगे आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। और बात रहे LRC ज्वाइनिंग के बारे में, आपको बता दूं LRC का लिस्ट जो है बन के तैयार हो चुका है, ये जो कभी भी रिलीज हो सकता है। इनका डेट जो है 5 और 10 जुलाई के बीच में लिया गया है, 5 और 10 जुलाई के बीच में जो आप लोग का LRC का ज्वाइनिंग 100% देखने को मिलेगा। इनमें किन किन स्टूडेंट का होगा, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे डुप्लीकेट वाले के होंगे या मिसमैचिंग वाले के होंगे, इनमें होम डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे या अदर डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, या KYC वक्त में जो 5 परफॉर्मेंस दिए थे उन्हीं सब का होगा या अदर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, इसके लेकर मैं फ्रेश से वीडियो बना दिया है। वो वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे इनमें डुप्लीकेट वाले का हो रहा है या मिसमैचिंग वाले का हो रहा है या सीरियली नंबर से हो रहा है, ये सारी कन्फ्यूजन आपको उस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और बात रहे दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं आपको बता दूँ मैं पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे कि आप लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन अगस्त लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन जुलाई लास्ट वीक में आप लोग का देखने को 100% मिलेगा। आपको बता दूं LRC का ज्वाइनिंग अगले मंथ में जो आप लोग का फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, 1100+ सीट पे ज्वाइनिंग होने वाले है, तब पर भी 1500 स्टूडेंट बच जाते हैं। तो इन सब का जब बहुत सारे विभाग से अधियाचना जा चुका है और बहुत सारे जिले से भी अधियाचना जा चुका है, जहाँ पर RTPS पे साथ ही कार्यालय में सीट खाली पड़े है, तो इन सब का ज्वाइनिंग को लेकर जो है अधियाचना जा चुका है। तो अब जो है बिहार बेल्टन में प्रेशर बनाना है कि ताकि जल्द से जल्द उन सब पे ज्वाइनिंग कराइए। LRC का ज्वाइन होने के बाद जो है जो स्टूडेंट 42 का नीट बच गया उन सब का KYC होंगे, उसके बाद जो है 21 या 25 के बीच में जो है स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाले है। और आप लोग का जो है ये न्यू रजिस्ट्रेशन जुलाई लास्ट वीक में होने की संभावना है, 100% होने की संभावना है। ये जो अपडेट आए हैं मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग अगर इच्छा होंगे क्लास लेने का तो मैं क्लास करवा देंगे। तो आप लोग अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही पिछले साल का और अब की बार जो पूछे जाएंगे जो अनुभवी क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं। तो आप लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन जुलाई लास्ट वीक में अगर नहीं होते हैं तो अगस्त में 100% आप लोग आएंगे, लेकिन 90% चांस है कि आप लोग का जुलाई में होगा, क्योंकि जुलाई का टाइम लिया गया है, जुलाई में आप लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और आगे का जो अपडेट आएंगे आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। और बात रही टाइपिंग के लिए दोस्तों, टाइपिंग को लेकर मैं पिछले वीडियो बना दिया था, आप लोग को टाइपिंग किस तरह से करना है मैं पिछले वीडियो में बना दिया है आपको किस तरह से टाइपिंग करना है। और मंगल फंड आप जब भी परचेज करते होंगे तो आपको 250 रुपया मंथ को देना पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ पर 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए,
आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा और आसानी से जो आप मंगल टाइपिंग कर सकते हैं। और बात रहे दोस्तों टाइपिंग के बारे में, आपको बता दो अगर बिहार बेल्टों में अगर आपको पास करनी है तो कम से कम 40 प्लस इंग्लिश में 40 प्लस अगर स्पीड आती है तभी जाकर आप वहाँ पे 30 का स्पीड मार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका 40-45 स्पीड रहेगा तभी आप वहाँ पे जाके मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको 40 प्लस हमेशा रखना है इंग्लिश में, और हिंदी में कम से कम 35 प्लस रखना है तभी जाके आप वहाँ पे सफल हो पाएंगे। और आगे का जो अपडेट आएंगे आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। बिहार बेल्टों से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग का 100% रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बेल्टों से हर एक अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते रहें।